आखिरकार क्यों करोड़ों लोग भारत को छोड़ रहे हैं, क्यों देश छोड़कर जा रहे हैं लोग। दोस्तों, करीबन 20 करोड़ लोगों ने भारत छोड़ दिया पिछले कुछ सालों में। हर साल लाखों लोग माइग्रेट हो रहे हैं। आखिरकार क्यों भारतीय लोग भारत को छोड़कर जा रहे हैं। सो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ इन्हीं सारे सवालों के जवाब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइज, पिछले 3 सालों में 3.92 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है और दूसरे देशों में जाके बस गए हैं। ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि ये आंकड़ा सरकार ने दिया है। विदेशी मंत्रालय के अनुसार पिछले कुछ सालों में देश की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। आज ये बात इतनी गंभीर हो चुकी है कि इसका अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद सरकार ने मुद्दा संसद में उठाया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल यानी कि 2021 में 1,63,270 लोगों ने भारत छोड़ दिया। वहीं पिछले 7 सालों में 9.24 लाख लोगों ने भारत को छोड़ा है। गाइज, पिछले कुछ सालों में 1,95,000 लोगों केवल अमेरिका में जाकर बसे हैं। वहीं कुछ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली जैसे और देशों में भी जाकर बसे हैं। इससे बढ़कर एक और रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत के 48 लोगों ने तो पाकिस्तान की भी नागरिकता ली है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में भी भारतीय जा रहे हैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तो और भी अजीब है। जिन लोगों ने भारत को छोड़ा है उनमें से ज़्यादातर लोग करोड़पति थे, जिन्होंने भारत में रहकर अच्छा खासा पैसा कमाया है और अब वो दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं। 2018-19 में करीबन 5,000 करोड़पतियों ने भारत को छोड़ दिया। दोस्तों, हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा को तो मिनी पंजाब भी कहा जाने लगा है, क्योंकि लगभग पंजाब के लोग कनाडा में जाकर सेटल हो रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक जितने भी युवा भारत को छोड़ रहे हैं उनका यही कहना है कि उन्हें रोज़गार ना होने के चलते वे दूसरे देशों में जा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आपको क्या लगता है, भारतीय सरकार रोज़गार को लेकर काम कर रही है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।